निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन को दिल्ली की अदालत से फांसी की सजा को लटकाने की कोशिश को झटका लगा है। दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने मंडोली जेल से 8 अप्रैल तक एक्शन टेकन कर रिपोर्ट मांगी है। दोषी पवन गुप्ता ने याचिका के जरिए बताया था कि मंडोली जेल के 2 पुलिसकर्मियों ने उसकी कथित तौर पर पिटाई की है और इसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पवन ने कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका नायक ने दोषी पवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश का दूसरे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस आवेदन के कारण फांसी प्रभावित नहीं होगी। पवन कुमार गुप्ता के वकील AP सिंह ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 2 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। शिकायत में हर्ष विहार पुलिस थाने के SHO को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह कांस्टेबल अनिल कुमार और एक अन्य अज्ञात कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे। शिकायत में कहा गया था कि चूंकि पवन को जल्द फांसी दी जानी है, यह जरूरी है कि उसे दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए एक गवाह के तौर पर पेश होने की इजाजत दी जाए। आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया है कि पवन को दोनों कांस्टेबल ने 26 जुलाई और 29 जुलाई 2019 को बुरी तरह से पीटा था, जब वह पूर्वी दिल्ली के मंडोली केंद्रीय जेल में बंद था। इसमें कहा गया है कि वह सिर में कथित चोट के लिए उसका इलाज शाहदरा में गुरु तेग बहादुर सरकारी अस्पताल में करवाया गया और उसे 14 टांके लगे। इसमें दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ शारीरिक हमले से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले गत 5 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने पवन कुमार गुप्ता सहित 4 दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी देने के लिए ताजा मृत्यु वारंट जारी किए थे। इन 4 दोषियों में मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.